16 मई 2022 आज के मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ है भाई भाई हो रहना, और ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न, यह संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? उत्तर, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ भी अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की वा सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा सन्यास सत्व प्रधान सन्यास है, कैसे? उत्तर, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। इस समय इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई भी नहीं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था, बच्चे मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो? अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं? गाते भी हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। ये तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, और शरीर के संबंध में आए तो भाई बहन। अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े। परंतु यह लॉ समझाया जाता है कि अब हम सब आत्माओं का बाप एक है, तो भाई भाई हो गए ना। फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुखवंशावली आपस में भाई बहन है। सब कहते भी हैं कि परम पिता परमात्मा, बाप ही है स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सत्युग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं। बाप तो आकर पुराने को नया बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है, उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंद में है। जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे, फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे। तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक सतगुरु होना चाहिए। परंतु यह किसको पता नहीं है, अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी, उनकी है श्रीमत, वह आते हैं जरूर। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु, तुम अब कह रहे हो अहो प्रभु, तेरे इस नरक को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है। तुम जानते हो
फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल पहले भी संगम पर ही राजयोग सिखलाया होगा ना। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के सम्मुख ही आता हूँ। वह सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, नॉलेज देते हैं, और कोई भी इस सृष्टि चक्र की नॉलेज तो दे न सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अब जान गए हो, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बात। यह महिमा उनकी है, अर्थात परमात्मा को मनुष्यों को देव तुल्य बनाने में समय नहीं लगता। मूत पलीति कपड़ धो। अब अपने से हरेक पूछे कि हम मूत पलीति हैं वा पवित्र हैं। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त, उनका तख्त कहाँ है? वे तो जरूर परमधाम अथवा ब्रह्म महतत्व है। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहां कोई आ न सके, उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहां रहता है। बाकी वहां कोई तख्त व कुर्सियां आदि रहने के लिए नहीं है, वहां तो अशरीरी है। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो विकार में चले जाएंगे। यह है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव के पोत्र ठहरे। फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हुए। इस समय तुम बहन भाई प्रैक्टिकल में हो। ये ब्राह्मणों का कुल है, ये बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। बाकी मर्तबे तो बहुत हैं, वहां दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सत्युग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं, यह तो असंभव है। स्वर्ग में असुर कहां से आए? बाप ने कहा कि यह असुरी संप्रदाय है, फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते हैं कृष्ण ने गायें चराई, यह भी पाठ चला है शिव बाबा की, तुम गायें ठहरी ना। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वह एक ही है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं। अपने को देवता कह न सके, हिंदू कह देते हैं। असल नाम भारत है, गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा जाता है। यह है भगवान वाच। भगवान एक निराकार ही है, जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में है सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उनको ही 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर वन पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा को रजो, वृद्ध को तमो कहा जाता है। सृष्टि भी सतो रजो और तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप आते ही है संगम पर। यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे,
क्योंकि जो कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कमती होती जाएगी, तो यह कल्याणकारी युग नहीं रहा। कल्याणकारी तो यह संगम ही है, जबकि बाप खास भारत और आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। तब और धर्मों में घुस जाते हैं। वास्तव में तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो तो श्रीमद पर चलना पड़े। बाकी सब हैं असुरी रावण मत, सब में 5 विकार हैं, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते हैं देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। तुम उस बाप को भूल गए हो, यह भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं नीचे गिरना ही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें। बाप कहते हैं अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। ड्रामा को भी समझना है, यह एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता रहता है। सत्युग आदि सत है भी सत, होसी भी सत। कहते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलता है, बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं। लिबरेटर भी है, माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहां गुरु की आज्ञा न मानी तो कुछ श्राप न मिल जाए। अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहां हो, वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझो सयाने बने हो, तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं, यह है जगत अम्बा जगत पिता और तुम हो बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियां आदि कितना बैठ बनाते हैं, अथाह चित्र हैं। ये सब चित्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। दीप माला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह है 2 भुजा वाली लक्ष्मी, 2 भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। यह है प्रवृत्ति मार्ग का यादगार और कुछ है नहीं। काली की जीव कैसी दिखलाते हैं, कृष्ण को भी काला बना दिया। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है, यह आत्मा के पतितपने का यादगार है। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से आत्मा गोरी बन जाती है। जगत अम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह हो गई गुड़ियों की पूजा। बाब कहते यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा ही होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा पेशगीर अर्थात विस्तार बहुत है। कितने मंदिर, कितने चित्र, शास्त्र आदि हैं, बात मत पूछो, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल ही इस समय तुच्छ बुद्धि हैं, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है, वह है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्र था,
उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाते तो जरूर सिख धर्म के होंगे ना। परंतु ये सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। अब बाप कहते हैं, फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं। ड्रामानुसार फिर से अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की। परंतु मनुष्य मनुष्य की सद्गति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सत्युग में दुख का नाम निशान नहीं, नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं कि भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ। यह अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ हीन नहीं बनना। वरदान, संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। विस्तार, संगम युग छोटा सा युग है। इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ओम शांति।